Good morning students and welcome to the TNPS online class. So this is class 5th SST. After just teaching you chapter number 1, that is evolution of man, this is the turn of this next chapter, that is chapter number 2, the classical ages. As in that chapter we told you how the man changes and developed into a human being. Now here we are talking about what the people of that age used to do and how they just make their food. कैसे उन्होंने food discover किया, खाया, बनाया and कैसे चीज़ों को develop किया जिसकी वजह से आज हमारे पास क्या इतनी ज़्यादा facility है. So earlier age was known as classic ages. Classic ages को हम क्या बोलते हैं? Old stone age. ठीक है, old stone age बोलते थे. अब ये old stone age क्यों बोलते थे? Because this classical ages was divided into 4 periods. 4 periods में divide की गई थी. The first is Paleolithic age, the next is Mesolithic age, next is Neolithic age and the fourth is Chalcolithic age. ठीक है, 4 हो गए. Now we will in the first video we will talk about the 2 ages. पहला है Paleolithic ages, which has been derived from the Greek word, जिसको कि हमने कहाँ से Greek word से लिया है. और वो वर्ड क्या था? पैलियोस. पैलियोस था, उसका मीनिंग क्या था? ओल्ड. ठीक है, अब लिथोस, लिथिक लिखा है तो इट इज डाइव अगेन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस. तो लिथोस मींस स्टोन, तो पैलियोलिथिक मींस ओल्ड स्टोन एज. इसमें हम बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स को क्या डिफिकल्टी आई जिसकी वजह से उन्होंने स्लोली स्लोली प्रोसेस किया. एंड उस टाइम पे, पैलियोलिथिक टाइम पे, उनके पास वर्क करना एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हार्ड था क्योंकि उनके पास ज़्यादा फूड नहीं था, वाटर नहीं था. ये सारी चीज़ें इनको क्या करना था? अरेंज करना था. तो पैलियोलिथिक पीपल जो थे उनके पास सिर्फ दो ही सोर्स थे जिसके थ्रू वो फूड ले सकते थे. पहला था हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, ठीक, एंड गैदरिंग फूड्स. अब हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स मीन्स एनिमल्स का वो हंट करते थे, जाते थे, शिकार करते थे. फिर गैदरिंग वाइल्ड फूड्स लाइक नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब वो चीज़ों को चुनते थे एक एक करके. इसी वजह से इस टाइम को हम लोग बोलते थे हंटर्स गैदरिंग. हंटर्स गैदरिंग क्यों बोलते थे? क्योंकि इनके जो बच्चे होते थे वो बाहर निकलते थे और वो चीज़ों को फाइंड आउट करते थे. जो भी चीज़ इनको मिलती थी खाने के लिए वो लेकर आते थे. तो वो नोमैडिक पीपल थे, मतलब दे रोम फ्रॉम हेयर टू देयर. एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पर जाते थे सर्च करने के लिए, फूड के लिए, खाने के लिए, कि हम कहाँ खाएँ, क्या खाएँ, कहाँ रहें. ठीक है, तो अब दिस एज में उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? फायर एंड टूल्स. अब इसी एज में उन्होंने फायर डिस्कवर किया था. फायर डिस्कवर कैसे किया था? कि उन्होंने दो चीज़ों को, दो स्टोन को रब किया था. अचानक से जब वो स्पार्किंग हुई तो वो स्पार्किंग कहाँ गिर गई थी? ड्राई लीव्स पे, पत्तियों पे गिरी. उस पत्तियों में आग लग गई क्योंकि उस टाइम पे गर्मी भी होती थी, तो गर्म से पत्तियाँ सूखी होती थी. अब अचानक से जब फायर उस पर लगी तो वहाँ पर आग जल गई. तो वहाँ से सबको पता चल गया कि फायर से खाना भी हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं. तो वो जो रॉ मीट खाते थे, मतलब जो कच्चा मांस खाते थे, तो उसको उन्होंने बनाकर थोड़ा सा फ्लेम दे के बनाना स्टार्ट कर दिया. तो इस पैलियोलिथिक एज में उन्होंने फायर का डिस्कवर कर लिया था. अब यहाँ पे टूल्स भी उन्होंने डिस्कवर किया था. अब टूल्स डिस्कवर कैसे किया था? कि वो लोग छोटे छोटे शार्प एजेस स्टोन्स को क्या करते थे? एक स्टिक में बांधते थे. ठीक है, उस स्टिक में, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये है आपका स्टिक. इसी स्टिक में वो क्या करते थे? अपने शार्प चीज़ों को अटैच करते थे. किससे? एक चीज़ों से बांध के करते थे. अब उससे क्या होता था कि उनको ज़्यादा दूर वहाँ पे एनिमल्स के पास जाना नहीं पड़ता था और वो एक ही प्लेस से उसको थ्रो कर देते थे. और इससे इनका क्या हो गया? शिकार करना थोड़ा ईजी हो गया. तो इस एज में उन्होंने दो चीज़ें डिस्कवर की, एक था फायर और दूसरा था टूल्स. और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें मेसोलिथिक एज, तो मेसोलिथिक एज में आप चीज़ देखते होंगे एम और एम. एम से बना है मिडिल स्टोन एज. इसको हम क्या बोलते थे? ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक को. तो मेसोलिथिक एज को हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज. तो इस एज में उन्होंने क्या किया था? माइक्रोलिथ्स बनाए थे. माइक्रोलिथ्स क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ टूल्स की बात की है, तो यहाँ पे भी उन्होंने टूल्स बनाए थे, लेकिन वो क्या होते थे? और धीरे धीरे स्मॉल होते थे. अब उन लोगों ने हैंडल के साथ बनाया. सपोज ये आपकी हैंडल है, तो ऐसे टूल्स बनाना स्टार्ट किए जिससे कि वो क्या कर सके? उनकी हंटिंग और ज़्यादा अच्छी हो सके. एंड दे स्टार्टेड मेकिंग वुडन हैंडल्स फॉर टूल्स फॉर बेटर ग्रिप, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से पकड़ के क्या कर सके? पकड़ के मार के हार कर सके. अब इसकी जो साइड थी, दैट वाज अ लार्जेस्ट साइड इन मेसोलिथिक इन बिगोर, वहाँ पे पाई गई है. आफ्टर दिस
ये दो एज आपको होगी डिस्कवर. अब इसी एज में इन्होंने इसकी मेसोलिथिक एज इन होते होते उनको क्या डिस्कवर किया, फार्मिंग यहाँ पर डिस्कवर कर दिया. पहले में हंटिंग शुरू किया, गैदरिंग फूड शुरू किया, डिस्कवर फायर किया, टूल्स बनाया. अब यहाँ पे भी उन्होंने टूल्स को धीरे धीरे ग्रिप वाला हैंडल वाला टूल्स बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पे आते थे एंड में उन्होंने फार्मिंग का डिस्कवर कर दिया था. ओके, थैंक यू क्लास.